गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि आपको पता है हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है इसका एक्सरसाइज 4.2 सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स क्लास 12 के लिए चैप्टर दिया था आपको। देखिए सॉल्यूशन आपका यानी आंसर है 28 का। क्या देखा था लेट बी डिटरमिनेंट 3x-8 3x-8 ठीक है। अब आप देखिए ये चीज गिवन है, इक्वल है जी। तो अब आप देखेंगे मैंने चेक किया R1 के अंदर R1 + R2 + R3 ऐड कर दिया, ऐड कर देंगे तो आपके पास जो डिटरमिनेंट जो आएगा जो आपके पास देखिए अगर मैं इसको रोटी करके देखता हूँ यहाँ ये वैल्यू 3x-8 + 3 + 3 3x-8 3 × 3 = 6 और 3x-2 ये चीज बची 3x-8 + 6 - 8 + 6 - 2 3x-2 और 3x-2 यही बचेगा सभी में 3x-8 क्लियर है। अब इसी की तरफ से हम आगे चलेंगे, इसमें से क्या चीज आपकी फॉर्मूला आ जाएगी। अब आप देखिए 3x-2 R1 में कॉमन है, R1 इज कॉमन 3x-2 कॉमन आए तो डिफरेंस 3x-2 क्या बच गया था आपके पास 1 1 1 3x-8 3 3 3 3x-8। अब 2 को 0 बना दें, अब 2 को क्या बना दें 0। अब 2 को जब आप 0 बनाएंगे देखिए 2 को किसी को 0 बना सकते हैं। अब इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटा सकते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लिकेशन करके इसमें से घटा सकते हैं, यानी 2 को 0 बना सकते हैं। तो हमने क्या किया, अब ये था आपके पास C2 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया C2 - C1 एंड C3 के अंदर मैंने ऑपरेशन लगाया C3 - C1 सॉल्व करेंगे। डिफरेंस था 3x-2 बाहर आ जाए आपके पास ये चीज आ जाएगी आप 1 3 3 ये बच गया था आपका। अब C2 - C1 1 - 1 = 0 1 - 1 = 0 3x-8 - 3 क्योंकि C2 - C1 तो 3x-11 3x-11 3 - 3 = 0 1 - 1 = 0 3 - 3 = 0 और 3x-8 - 3 3x-11 ठीक है जी। अब आप देखें एक्सपेंड कर देंगे एक्सपेंडिंग R1 से जब आप एक्सपेंड करेंगे डिफरेंस 3x-2 1 से करेंगे ये चीज चलेगी क्या बचेगा 3x
x माइनस 11 0 0 3 x माइनस 11 इसके लिए इसकी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 3x माइनस 2 ये वैल्यू 3x माइनस 11 और 3x माइनस 11 ठीक है। अब आपने लोगों का डिफरेंस किसके पूछा थी 0 पे गिवन दिए थे ठीक है। ये क्या वैल्यू 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 3x इज इक्वल टू 2 x इज इक्वल टू 2 बाय 3 एक पावर इसकी थी एक पावर इसकी थी तो दो पावर लिख सकते हैं हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 3x इज इक्वल टू 11 x इज इक्वल टू 11 बाय 3 3x माइनस 11 इज इक्वल टू 0 3x इज इक्वल टू 11 x इज इक्वल टू 11 बाय 3 क्लियर है यार ये आपके पास आंसर और इसमें x की वैल्यू भी आपने फाइंड आउट करनी थी। यह आपका चैप्टर 4.2 जो है आपका कंप्लीट हो गया है। इसमें कोई भी अगर समस्या है तो आप पूछ सकते हैं जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ज़्यादा 4.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई फोर चैप्टर नहीं 4.2 एक्सरसाइज आपको कंप्लीट हुई ठीक है। 4.3 पेंडिंग है वो कल आप डिस्चार्ज हो जाएगा। थैंक यू धन्यवाद।